काजल और सुरेश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। काजल बहुत अमीर घर से होती है, पर उसको इस बात का जरा भी घमंड नहीं होता। वही सुरेश बहुत ही गरीब घर से था। काजल हमेशा सुरेश को अपने साथ रखती है। सुरेश पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। एक दिन पार्क में दोनों बैठे होते हैं, तब काजल सुरेश से पूछती है, सुरेश तुम इतने बड़े आदमी क्यों बनना चाहते हो? मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुम जैसे हो मैं उसी में अपना गुजारा कर लूंगी। मुझे पता है तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, पर मैं तुम्हें एक बेहतर लाइफ देना चाहता हूँ। और मैं कुछ बनूंगा तभी तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा हाथ मुझे देंगे ना। वैसे मुझे नहीं समझ रहा कि तुमने मुझ में क्या देखा। तुम इतनी अमीर हो फिर भी तुम्हें एक कौड़ी का घमंड नहीं, और तुमने मुझ जैसे फटीचर से प्यार किया। क्यों, तुम्हें तो बहुत अच्छे लड़के मिल सकते थे। अरे पहले तो ये फटीचर फटीचर बोलना बंद करो। मुझे तुमसे प्यार है, ना कि तुम्हारे पैसे से। पैसा क्या आज है और कल नहीं। वैसे भी मेरे पापा भी कभी तुम्हारे जैसे ही थे, और देखो आज कहीं मेहनत से कहा है। उन्होंने मुझे सिखाया है पैसे का घमंड कभी नहीं करना। अच्छा है, चलो अब चलते हैं। कुछ दिन बाद सुरेश अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है कि तभी एक दोस्त सुरेश को बोलता है, वैसे कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे है, तो क्या दे रहा है भाभी को? मैंने तो सुना हूँ कि भाभी तेरे लिए बहुत बड़ा प्लान कर रही है। मैं क्या दे सकता हूँ यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या बे, हमेशा हमेशा पैसे पैसे कहते रहता है। इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है उसे भी खुश नहीं रख पाता, ऐसे से वो एक दिन भाग जाएगी। ऐसा कहकर सब चले जाते हैं। घर आकर सुरेश बहुत टेंशन में आ जाता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर काजल चली गई तो मैं क्या करूंगा, उसे कैसे रोकूंगा, और मैं तो उसके बिना जी ही नहीं सकता। दूसरे दिन काजल सुरेश को बुलाती है, पर सुरेश नहीं जाता और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। तभी सुरेश काजल को फोन लगाता है। हेलो। हाँ बाबू, इतनी रात को मेरी याद कैसे आई? पढ़ाई हो गई तुम्हारी? काजल क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? ये क्या बोल रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे बस ये बताओ क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अरे मैं क्यों तुम्हें छोड़ने लगी बाबा? ये सुनते ही सुरेश फोन काट देता है, और तभी काजल का कॉल आता है, पर सुरेश काट देता है। रात भर सुरेश यही सोचता है कि कहीं अगर काजल ने मुझे छोड़ दी तो। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे आता है और काजल सुरेश को कॉल लगाती है। हेलो बाबू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है शाम 10 बजे, आ जाना जल्दी, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। काजल के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, सब बातें करते रहते हैं कि तभी एक फ्रेंड कहती है, क्यों रे, तेरा फटीचर बॉयफ्रेंड नहीं आया क्या? अरे फरारी लाने गया होगा ना। ऐसा कहकर वो काजल की उड़ाते हैं। ये सब सुरेश पीछे से सुन लेता है और चले जाता है। मैं तुम लोगों को अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए यहाँ बुलाया, और तुम हो कि मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा बोल रहे हो? क्या हुआ, उसके पास पैसा नहीं है तो? पर उसके पास बहुत अमीर दिल है, और तुम्हारे जैसे घटिया सोच नहीं। उसके पिता ने नहीं कमाया है, उसकी गलती नहीं है, पर वो तुम्हारे जैसे तो नहीं है जो बाप के पैसों पे उड़ाते हैं। अरे एक दिन वो भी पैसा कमा लेगा। पैसा आज है और कल नहीं, पर आदमी में इंसानियत होनी चाहिए जो तुम में नहीं है, जो किसी को
पैसे से तोले। ऐसा सब कहकर वो वहां से चली जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला पार्ट हम जल्द ही लाएंगे।